और हल्का फुल्का खोणो खाओ, यानी कि दलिया खिचड़ी, दलिया खिचड़ी हुए सको था। और सबसे बड़ी बात की बिना डॉक्टर ए सलाह है तुम कोई भी दवाई ना खाओ, किले की यूचो वायरस वा बुखार, यानी कि संक्रमण बुखार जो मानसूनों द्वारा फैलियो। तो वे मायो एंटीबायोटिक जो यू दवाई हो चु वो अक्सर काम नहीं कैन, काम करेल तो भाई वो रिएक्शन जरूर दिल, किले की जब तक हम डॉक्टर उन्हें पूछ तब तक तो हम उन दवाइयों खे नहीं सकन। तो ये ले आप लोग भाई थोड़ा सतर्क रहो और इन बुखारों से बचने पूरी पूरी कोशिश करो। तो हार ने धला कुछ वनमुने खे दला बिना धोई गो बाजार भी हम लिहुना और बिना वने के धोई खे जोना। तो वैसे क्या सुप्रभात दगड़ियों, कन वाला आप सब उम्मीद कनू की सब बढ़िया वाला, मैं भी एकदम बढ़िया च। मैं संदीप सन्नू फिर आ गई अपना एक न्यू वीडियो का साथ आपको दगड़ी। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों ते मेरे प्रणाम और छोटों ते मेरे ढेर सारो प्यार। तो ब्लॉग है शुरुआत होनी सवेरे का 9 बजे से, और मैं जायो आज थोड़ा से वो घर रही छी, यानी घर मतलब कि सरसों वो रही छी गानू वे गैडियल थोड़ा रही छू। तो लिखो ना आप लोगों ते, तो उम्मीद करूँ कि मैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और पसंद आए तो लाइक करिया, कमेंट करिया, और जो चैनल पर नया चे सब्सक्राइब करिया, और आपको दोस्तों तक ज़्यादा शेयर करिया, और बेल आइकन जरूर दबाया ताकि आने हर वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो बना रहे मेरी दगड़ी, दिखो लो आप लोगों ते। दगड़ियों आज कुछ खास जानकारी दूँ मिल आप लोगों, भले ही पता था सबू रन हर चीज़ें बार में, लेकिन पता था हर क्यों यू बीच की आजकल हम पहाड़ों में क्या हूँ, लेकिन फिर भी लो सब ब्लॉग बनने लगे रन अपू तरीका से हर क्यों अपू जो कार्यविधि च वे बतौना रन। तो दगड़ियों आज में भी आप लोगों ये बुखारों बार में बतो जो यू आजकल हमा देश विदेश में, यानी कि हमारा देश में यन मानसून हवाओं भी दें जो यू मौसम परिवर्तन हों, और जो यू वायरस संक्रमित होना वे बार में बतौल दगड़ियो आप लोगों। तो बना रहे में दगी तो बतौल थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मिल थोड़ा घर गान तो अभी मैं कंटिन्यू न्यू कह सकूँ, तो थोड़ी देर में बतौल आप लोगों ते जब मैं घर गैर दूँ फिर विस्तार पूर्वक बतौल। तो बना रहे मेरी दगड़ी तब तक यखो यो नज़ारा आप लोगों तक दिखे दून। ये देखा दगड़ो यो गेहूँ च गाड़ी वाले दगड़े मिल घर या ये देखा इच आधा ये मधर है आधा इच अब ये मधर हो। दोस्तों मैं आप लोगों आज बताऊं जानू छी कि वायरल बुखार, तो जो यू वायरल बुखार चे यानी कि यू मानसूना बदलान से जो यू बुखार होना, तो वे कुछ यूच ये वायरल बुखारों मतलब कि शरीर और जो सामान्य तापमान रन वो सामान्य तापमान से बहुत ज़्यादा बढ़ जान। तो आदमो जो क्षमता रहन वे सहन करने क्षमता तो वो नहीं कर सकन सहन, और ज़्यादातर यूँ बुखार आजकल उन बच्चों और जो बुजुर्ग बूढ़ा बुजुर्ग आदमी यानी कि जो थोड़ा कमजोर च उन्हों यूँ बुखार ज़्यादा हो। तो ये लै
यानि बुखारो लक्षण छ कि ज्यादा सिर में दर्द हूँ, शरीर में थकावट महसूस हूँ और ठंडा साथ साथ हम बहुत तेज बुखार हो, जोड़ों में सूजन। तो ये वजह से क्या हुआ कि जो बुजुर्ग और जो बच्चा च वनु कमजोरी वनु पर ज़्यादा रहनी, तो वनु यूँ बुखार ज़्यादा है दान। तो ये बुखार से बचाना जो लक्षण से, तो वनु में थोड़ा आप लोगों बतून। तो सबसे पहले यानी कि सबसे पहले हम क्या कंचन की अपू हाथ डिटॉल हैंड वॉश जो लिक्विड वॉच वे भी ढंग से साफ कंचन अपू हाथ, और कोई भी चीज़ फल फ्रूट या साग सब्जी कुछ भी तो हम बिना धोए वो चीज़ निखार जाए, धोए धो के खोवा साफ सुथरा ढंग से, और जत्ते हुए सको अपू बचाव करने कोशिश करो कि जत्ती ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हम अपू हाथ धोए सको। तो अपू मुख पा और गिच पा नाक पा अपू हाथों जो प्रयोग च तुम वही अंच की हाथ धोए के लगो, बार बार अपू हाथों प्रयोग अपू मुखो ना करो। और जो बुखार ज्यों जे व्यक्ति हो जो यो बुखार आया वन उसे थोड़ा दूरी बनाए के रखो, किले कि वो अगर तुम मुदे बोलोल तुम्हारा सामने पा वो छींकी तो क्या होल कि वे जो गिचू को जो लार जो वो बह टपकोल, और बह टपकोल तो वो हवा द्वारा तो माँ सांस होमा जरूरी है जोल, क्योंकि हवा द्वारा तक कोई भी चीज़ ऑक्सीजन चैन भाई सब वो हवा द्वारा हो सभी कुछ। तो वो हवा क्या च हमारा सांसों द्वारा हमारे शरीर तक पहुँचे, हमारे शरीर तक पहुँचल तो खुद ब खुद वो बीमारी हम ऊपर पहुँचे। तो क्या च कि वे व्यक्तियों यान बोलो कि भाई हाथ धो आप हमू यो रुमाल अवश्य धरो, और रुमाल जब तुम छींकना तो वे अपू मुख पर नाक पर लगा के रखो, और हल्का फुल्का खोणो खाओ यानी कि दलिया खिचड़ी हुए सको था। और सबसे बड़ी बात कि बिना डॉक्टर सलाह है तुम कोई भी दवाई ना खाओ, किले कि यूचो वायरस हुआ बुखार यानी कि संक्रमण बुखार जो मानसूनों द्वारा फैलियो, तो वे मा यू एंटीबायोटिक जो यू दवाई च वो अक्सर काम नहीं कैन, काम करेल तो भाई वो रिएक्शन जरूर दिल, किले कि जब तक हम डॉक्टर नहीं पूछ तब तक तो हम मन दवाइयों खे नहीं सकन। तो ये ले आप लोग भाई थोड़ा सतर्क रहो और यान बुखारों से बचने पूरी पूरी कोशिश करो। तो हाथ ने धोला कुछ वन मुणियों खे दिला बिना धोई गो बाजार भी हम लिहुना और बिना वने के धोई हुई खे दूना, तो वैसे क्या हूँ इंसानों की जुखाम लग जानी, गौ पीड़ा होना शुरू हो जानी, दस्त अलग लगना और सर दर्द अलग होनू, आँखों जलन अलग होनी, क्यों यू पूरी च गर्मी और यूँ एक से एक केमिकल मिल आ रहा हर चीज़ में। तो साफ ढंग से धोए धह के खान चन हर चीज़ जैसे कि हमारा सेहतों बच्चों सेहतों और बुजुर्गों सेहतों अच्छो हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियावा और डिटॉल वगैरह जरूर अपो हाथों साफ कर दियो ताकि जो गंदगी वो हमारे हाथों से हम उसे दूर हो जो। तो दगड़ियों यू इच्छी में आज मेन टॉपिक कि मैं आप लोगों थोड़ा से यन बता सको कि जो यूँ वायरस च बुखार च विले अपू सावधानी खुद हमू धनचन कोई दूसरों हमें वे कानूनियोल ये ले हमू खुद ब खुद अपू ध्यान धन पड़ोल। तो अगर मे वीडियो आप लोगों पसंद है तो लाइक करया, कमेंट करया, अपू दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करया, और जो मेरा चैनल पर नया उनमें सब्सक्राइब करया और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचती रहे। मैं सन्नू फिर मिलो लो आपका साथ में एक नई वीडियो का साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।
नमस्ते।